हेलो क्रिस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रेटिंग है और ये एक जनरल रेटिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग क्रेज। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। क्रेज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्रेज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, और करंट फीलिंग्स फॉर क्रेज पार्टनर। ओके, नाइन ऑफ सोर्स, सॉरी एट ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आपको ओके, लेट्स सी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मून, टेम्परेंस एंड द लवर। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसको आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, यानी आपके पार्टनर जो है वो किसी नेगेटिविटी में, अपने आप को उन्होंने कुछ ऐसी नेगेटिविटी में रखा हुआ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। वो कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जिनको सोचना ज़रूरी नहीं है, लाइक नेगेटिविटी में है वो इस वक्त, उनका माइंड क्लियर नहीं है किसी हवाले से। वो कुछ गलत सोच, मतलब कुछ रॉन्ग सोच या थाट्स उनके माइंड में हैं इस टाइम, इस रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है या फिर जो भी उनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है उसके हवाले से। वो किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, हो सकता है किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हों, जो भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में दिया है अपना 100% या जो भी उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है। वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, बट वो बैलेंस चाहते हैं। वो बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करें, क्योंकि दो के हो सकता है इस वेटिंग पीरियड पे वो जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हों कि अब ये लाइफ जो है वो इस उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे वो पहले वो चाहते थे। करंटली वो अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबल, लाइक कुछ रिकॉग्नाइज, लाइक कुछ उनके लाइफ में वो इस वक्त लाइमलाइट में है या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ सक्सेस मिली है उन्हें, चाहे वो घर घर की सिचुएशन में हो, चाहे वो अपने वर्क सिचुएशन में हो, तो इसमें जो है उन्होंने कुछ अचीव किया या फिर कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है, उन्हें कुछ जाना है उन्होंने। हो सकता है नेगेटिविटी जो भी थी वो क्लियर हुई हो उनके लिए, बट यहाँ पर जो है वो कुछ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है या उन्होंने कुछ अचीव किया है इस वक्त, या उन्होंने किसी किस्म की सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में। बट इसको जो ब्लॉक कर रहा है वो यही है कि उनने कुछ अपने उनका माइंड क्लियर नहीं है, उनका माइंड क्लियर नहीं है किसी हवाले से, तो इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ और कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो इस ये चीज़ उनके लिए ब्लॉकेज बनी हुई है। वो कुछ जानना तो चाह रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से अपने माइंड को क्लियर नहीं कर रहे, लाइक हो सकता है कम्युनिकेट नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो उस चीज़ को उस तरीके से जान नहीं पा रहे। अगर आपकी तरफ से उनको कुछ जानना ज़रूरी है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे और वो उस बात को जान नहीं पा रहे, और ये उनकी अपनी तरफ से ही है कि वो खुद से कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। सो वो अपने माइंड को कंफ्यूजन में ही रख रहे हैं खुद से, लाइक वो खुद से ब्लॉक कर रहे हैं शायद कम्युनिकेशन को, जिसकी वजह से वो नहीं उनको वो चीज़ पता चल पा रही जो उन्हें पता चलनी चाहिए इस रिलेशनशिप के हवाले से। दो के वक्त वो बैलेंस्ड हैं और वो अपनी लाइफ में लाइक अपने इमोशंस इमोशनली और लव वाइज वो जो है वो कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, या आपके साथ वो कनेक्शन फील कर रहे हैं एक्वेरियस, बट वो अपने आप को उन्होंने खुद कन्फ्यूजन में रखा हुआ है और डिलेज जो है वो उनकी अपनी तरफ से ही आ रहे हैं। अगर वो कम्युनिकेशन को ओपन करेंगे या अपने इस चीज़ को रिजॉल्व करने की या पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो जाके इन फ्यूचर में वो इसको पूरी तरीके से अवेल, इस लव रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अवेल करने में कामयाब हो सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू,
प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।